हाँ नमस्ते सर, मैं पुरुषोत्तम पड़वा गांव में आया हूँ। ये हमारे किसान भाई हैं और इनका खेत जो है बिल्कुल सर सूख गया है। ये हमारे किसान जो परेशान हो रहे हैं और देख लीजिएगा बहुत ही बुरी हालत हो गई है पूरी खेत की, देखिएगा। हाँ तो सर आपने इसमें क्या बोया है? इसमें मूंग मूंग बोई है। कितने दिन पहले बोई थी? अठारह बीस दिन हो गए हैं। तो सर ये कैसे सूख गया? ये ओक्सा रोग लग गया है, जो ओक्सा रोग कहते हैं इसको, कैसे कैसे हो गया जी? अब जी बता नहीं सकते कैसा हो गया, कैसे नहीं। अच्छा, बोते समय इसमें आपने कोई दवाई का प्रयोग किया था? नहीं, दवाई वाई कुछ नहीं किया था। कोई पोषक तत्व के लिए कोई जैविक खाद का प्रयोग किया था? नहीं किया था। इस खेत का उखड़ने का कारण ही यही है कि इसमें जैविक खाद का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए ये खेत सारा का सारा सूख गया है। अब हम सर को ह्यूमिक बॉल देंगे, इससे इनका खेत 4 दिन या 8 दिन में ज्यों का त्यों अच्छा हो जाएगा। तो कैसा रहेगा सर? सही रहेगा ना। तो आज हम छिड़कवाएंगे, जैसे हम आज आपको दे के जाएंगे, छिड़काव कब करोगे? आज ही करोगे? आज ही कर देंगे। ठीक है, ठीक। धन्यवाद सर, मैं इनको देना चाहूँगा ह्यूमिक बॉल। नमस्कार दोस्तों, मैं पुरुषोत्तम कुमार ललितपुर डिस्ट्रिक्ट के तहसील मेहरौनी से बोल रहा हूँ। मैं आज बताने जा रहा हूँ कि सर ये वही खेत है जो आज से 25 दिन पहले 17 अप्रैल को मैंने अपने किसान भाई को एग्रो एडवांस ह्यूमिक बॉल जैविक खाद दिया था और इनका खेत जो है पूरा सूख गया था। इसमें कुछ भी नहीं था, सिर्फ डंठल खड़े हुए थे। आइए जानते हैं अपने किसान भाई से कि इसमें कितना फ़ायदा हुआ है उन्हें और इसमें बिलीव है कि नहीं है। चलिए दाव के पास आइएगा और सर से पूछे। सर आपका नाम क्या है, नाम बताइएगा पहले। तो नाथूराम। जोर से बोलिएगा। नाथूराम जी। नाथूराम जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके पहले स्थिति क्या थी इस खेत की, आप बताइएगा। पहले स्थिति इसमें कुछ नहीं बचा था। कुछ नहीं बचा था, मतलब कुछ आपको आशा थी पहले कि नहीं थी? नहीं, आशा नहीं थी, लेकिन जो है आपने खाद डलवाया जो, उससे जो है जो पानी दुआया तो उससे जो जीवित हो गया। जीवित हो गया है। पहले आपने क्या सोचा था इस खेत को लेकर के, हम इसको जोत डालें? जोतने का सोचा था? छोड़ देंगे। आपने ये सोचा था कि इस पे मूंग आएगा हमारा कि नहीं होगा, कोई उम्मीद थी आपको? कोई उम्मीद थी। लेकिन अब इस फसल को देख के कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। तो सर बताइएगा कि हमारे किसान भाइयों को ये डालना चाहिए हमारा एग्रो एडवांस ह्यूमिक बॉल, जो जैविक खाद जो ब्राइट फ्यूचर का है, और हमें हर किसान भाई को इस बुंदेलखंड में डलवाना चाहिए कि नहीं डलवाना चाहिए? सर आप अपने मुंह से बताएं हमारे भाइयों को। बहुत बहुत बढ़िया आपका खाद है और जो है आपको 1000% जो डलवाना चाहिए डलवाना चाहिए। सर बता दें ये वही फसल है जो आज से 10-15 दिन पहले हम लोगों ने डलवाया था ह्यूमिक बॉल, इसमें छिटकवा दिया था। यहाँ फसल पे लाइएगा कैमरा और दिखाइएगा, ये वही मूंग की खेती है, ये वही मूंग की खेती है सर, जो पहले सूख चुका था, इसमें एक भी पत्ता नहीं था। सर देख लीजिए, ये हमारे ब्राइट फ्यूचर का कमाल है, ये हमारे ब्राइट फ्यूचर का कमाल है। ये देख लीजिएगा सर, ये प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त है, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट आया है कि किसान भाई खुद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि हमें रासायनिक को छोड़कर अब हमें आपका ये एग्रो एडवांस जैविक खाद ही डालना है और यही डालेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा शर्मा सर को।